नमस्कार, आज हम व्रत के लिए साबूदाने के एकदम क्रिस्पी वड़े बनाएंगे। साबूदाने के वड़े तो आप सब साबूदाने भिगो कर बनाते होंगे, लेकिन आज हम जिस तरीके से साबूदाने के वड़े बनाएंगे, इसे बनाने के लिए आपको साबूदाना भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप घर पर बिना साबूदाना भिगोए तुरंत बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं वड़े बनाना। वड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप साबूदाना लिया है। तो सबसे पहले हम साबूदाना को जार में डालकर पीसेंगे। यह वड़े बनाने के लिए आप छोटे बड़े कोई भी साबूदाने ले सकते हैं, लेकिन उसे जार में डालकर जरूर पीसें। साबूदाना पीस कर हमने बारीक कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने साबूदाना को पीसा है। अब इसमें हम एक बड़े साइज के उबला आलू कद्दूकस करेंगे। आप चाहें तो इसमें 2 आलू भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये फ्राई करते समय फटेंगे नहीं, इसलिए आलू आप और बढ़ा सकते हैं। आलू कद्दूकस करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा भुना हुआ मूंगफली डालेंगे। मूंगफली को हमने छिलका साफ करके क्रश कर लिया है। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं, 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक और 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देते हैं। अब हम सारे चीज़ों को साबूदाने में मिलाकर मिश्रण को तैयार कर लेते हैं। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने उबला आलू डाला है। तो इसी तरह हम सारे चीज़ों को मिला लेते हैं। हम व्रत के लिए बना रहे हैं, इसलिए इसमें हम मसाले नहीं डाल रहे हैं। लेकिन अगर आप बिना व्रत के लिए बना रहे हैं, तो आप इसमें थोड़े बहुत मसाले डालकर मिला सकते हैं। सारे चीज़ों को हमने साबूदाने में अच्छे से मिला दिया है। हमने इस तरह से एकदम टाइट मिश्रण बनाया है। अब इसे हम किसी बर्तन में फैलाकर सेट करेंगे। प्लेट में हमने अच्छे से घी लगा दिया है। अब इसी प्लेट में हम मिश्रण को फैलाकर सेट कर देते हैं। जिस तरह से हम बर्फी जमाते हैं, उसी तरह से हम इसको भी फैलाकर सेट करेंगे। मिश्रण को हमने फैलाकर अच्छे से सेट कर दिया है। अब इसे हम लगभग आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, जिससे जमकर सेट हो जाएं। जब ये टाइट हो जाएंगे तो ये आसानी से कटेंगे। लगभग आधे घंटे के बाद ये टाइट हो गया है। अब इसे हम छोटे छोटे पीस में काटेंगे। पहले इसे हम 2 लाइन सीधे सीधे काटेंगे। अब इसे हम छोटे छोटे पीस में बर्फी जैसा काटेंगे। आप देख सकते हैं काटने के बाद ये कितना बढ़िया लग रहा है और कितने आसानी से कट कर निकल गया है। ये एकदम टाइट हैं, इसमें चिपचिपापन नहीं है। इसी तरह हम सारे पीस को निकाल लेते हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे। वड़े तलने के लिए तेल हमने पहले से गर्म कर लिया है। जितना पैन में जगह है, उतने वड़े हम डाल देते हैं। अभी गैस को हमने एकदम तेज किया है। जब ये ऊपर से हल्के फ्राई हो जाएंगे, तो गैस को हम मीडियम में कर देंगे। अब वड़े हल्के फ्राई हो गए हैं। अब इसे हम धीरे धीरे पलटेंगे। गैस को हम मीडियम में कर देते हैं और इसे हम सुनहरे रंग में दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करेंगे। इस वड़े में खास बात यह है कि ये फ्राई करते समय फटेंगे नहीं। जब हम साबूदाने भिगोकर वड़े बनाते हैं, तो वो कभी कभी तेल में फटने लगते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाते हैं। अब ये वड़े सुनहरे रंग में फ्राई हो गए हैं, तो अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। और इसी तरह हम बचे हुए वड़े को फ्राई कर लेते हैं। ध्यान रहे, इसे फ्राई करने के लिए पहले तेल अच्छे से गर्म करें और तेज आंच पर वड़े को तेल में डालें। जब ये ऊपर से हल्के फ्राई हो जाएं, तो गैस को मीडियम में करके इसे फ्राई करें। इससे वड़े जो हैं अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और ऊपर से भी एकदम क्रिस्पी बनेंगे। इसे फ्राई करने में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और ये बहुत ही कम समय में आसानी से बन भी जाते हैं। अब ये भी सुनहरे रंग में फ्राई हो गए हैं, इसे भी हम तेल से निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं व्रत के लिए हमारे साबूदाने के वड़े बनकर तैयार हैं। अब एक पीस हम आपको तोड़ करके दिखाते हैं कि अंदर से कैसा बना है। ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी और करारे बने हैं। यहाँ पर हमने हरा धनिया और हरी मिर्च की चटनी बनाया है। इस तरह के वड़े हरी चटनी के साथ खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं।
साबूदाना भिगोकर वड़े आप सब बहुत बनाकर खाए होंगे, लेकिन आप एक बार इस तरह से साबूदाने के वड़े ज़रूर बनाएं। यह वड़े आपको बहुत ही पसंद आएगा। इसे बनाना भी बहुत आसान है। ये लगभग 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं।